वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बिटकॉइन बर्नर में। सो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ रिप्पल के बारे में न्यूज़। क्या है रिप्पल का सारा अपडेट, क्या आपको रिप्पल कंपनी के टोकन XRP पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, सारी न्यूज़ मैं आपको बताऊँगा XRP के बारे में। सो वीडियो पूरी एंड तक देखें। एंड यस, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अभी कि आपको रिप्पल पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एंड यस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का पता लगता रहे। हम रोज़ इस चैनल पर नए क्रिप्टो एनालिसिस करते रहते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो बिना आप टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं XRP द बेस्ट डिजिटल एसेट फॉर ग्लोबल पेमेंट्स। सबसे पहले मैं आता हूँ क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस के टेबल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं XRP टोकन अभी नंबर 5 पे हो गया है। आपको पता ही होगा जैसे कि Polkadot ने मार्केट कैप पे XRP टोकन को बीट करके नंबर 4th पोजीशन रिटेन कर लिया और XRP नंबर 5 पे हो गया है। हालांकि XRP की प्राइस अब 0.3066 हो गया है। एट द लास्ट इसने 0.30 के बैरियर को क्रॉस कर दिया है। एंड लास्ट 7 डेज में ये 8% राइज हुआ है, 8.22। एंड लास्ट 24 आवर्स में ये 7.58% राइज हुआ है। सो हम देख सकते हैं कि अब हमको रिपल के अगर हम यहाँ से भी चार्ट देखें तो हमको कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है ग्रोथ में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ XRP के प्राइस एनालिसिस पे। सो ये रहा XRP का प्राइस एनालिसिस। सो आप देख सकते हैं XRP का प्राइस इस टाइम $0.3074 है एंड ये लास्ट 24 आवर्स में 8.11% से अप है। जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ कॉइन्स हैं वो 8.24 से अप है एंड फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप भी 8.24% से ऊपर है। जो वॉल्यूम है कॉइन की, ट्रेड वॉल्यूम लास्ट 24 आवर्स में 61.72% ट्रेडिंग हुई है रिपल की, सॉरी XRP टोकन की। एंड आप देख सकते हैं कि मतलब मोर देन 60% सब जो हुई है ट्रेडिंग हुई है XRP टोकन की। एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई 45% है कॉइन की। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे इसके चार्ट पे। आप देख सकते हैं इसका चार्ट जैसे कि पीक पे गया था एंड फिर नीचे आते, हालांकि हमको अभी इस पर ध्यान नहीं देना। हम सीधा आते हैं इसके वन मंथ के एनालिसिस पे आप देख सकते हैं एक टाइम पे रिपल का प्राइस अभी से एक महीने पहले $0.58 था एंड अभी गिर के 0.30 हो गया है। एंड अगर मैं आपको एक वीक का एनालिसिस दिखाऊं तो एक वीक में आप कह सकते हैं ये पॉइंट रिपल का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट रहा है एट 0.304 एंड ये रिपल का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट रहा है इस वीक में। अगर हम अब एक दिन का चेक करें तो आप देख सकते हैं एक दिन में लास्ट वन डे में जो हाईएस्ट पॉइंट था 0.3261 तक गया है। सो आप देख सकते हैं कि रिपल ने 0.30 के बैरियर को क्रॉस कर लिया है अब फाइनली इतने दिनों बाद। एंड वो उस पर अब कंसिस्टेंसी एक दिन से तो मतलब ऑलमोस्ट आधा दिन हो गया कि उस पर कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ बताता हूँ रिपल की। अब एक और बुरी खबर आई है कि जो रिपल है उसको आज 19th से कॉइन बेस जो वेबसाइट है क्रिप्टोस की उससे इसको डीलिस्ट कर दिया गया है। मतलब कि आप वहाँ उस वेबसाइट पे इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना इसको कुछ कर सकते हैं। सो ये एक बैड न्यूज़ है रिपल के लिए। आपको जैसे कि पता है कि जो XRP टोकन है रिपल का, तो जो रिपल कंपनी है उस पर SEC ने लॉसूट फाइल कर दिया था कि कंपनी ने 1.3 बिलियन $1.3 की अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ XRP टोकन में इन्वेस्ट की हुई थी एंड फिर जब उसको सेल किया तो फिर उन पर वो लॉसूट फाइल किया गया। एंड वो लॉसूट की वजह से जो रिपल कंपनी है उसकी वैल्यू में बहुत इफेक्ट पड़ा है, रेपुटेशन में बहुत इफेक्ट पड़ा है। एंड बेसिकली उसकी वजह से अब जो XRP टोकन है उसकी प्राइस में बहुत इफेक्ट पड़ गया। आपको पता ही है कितना डाउनफॉल हुआ है इस XRP टोकन का। एंड आपको पता है कंपनी की अगर आप डीमेरिट पे आ जाएं, अगर एक कंपनी की बदनामी होती है तो ऑब्वियसली जो उसके साथ या उसकी चीज़ें जुड़ी होती हैं वो उससे फॉल बैक कर लेते हैं, आपको पता ही होगा। सो उसकी वजह से क्या है, जो कंपनी उसके साथ थी, कई प्रोजेक्ट्स जो थे, उन सब ने रिपल से अपना सारा पैसा निकाल लिया एंड जिसकी वजह से उसका जो इफेक्ट है इसके टोकन पे XRP पे भी देखने को मिला, जिसकी प्राइस बहुत डाउन चली गई। आप क्या देख सकते हैं एक टाइम पे जो XRP टोकन है उसकी वैल्यू $3 होती थी एंड आज आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0.30 है। मतलब आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल हुआ है। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे जो पिछले दिन थी इसकी वैल्यू बहुत कम गई थी, 0.2726 तक गया था,
बट इसने अब वापस रिटर्न किया है। एंड जिन लोगों ने 0.26 पे इस पे या 27 पे अगर इस पे हाईली इन्वेस्ट किया था, तो अगर वो अभी इसको होल्ड करके रख रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो उन लोगों ने इसको सेल आउट करके इससे प्रॉफिट गेन किया होगा। आपको मैं ये भी बता दूं, जो इसकी वॉल्यूम 61.72% इंक्रीज है ट्रेड वॉल्यूम में, वो इसकी वजह से भी हुआ है कि जो इसका XRP का जो वो है क्या बोलते हैं CEO है, उसने कॉइन से उसने सेल आउट किए सारे जो रिपल हैं, 28.6 मिलियन रिपल्स को सेल आउट किया, जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट हुई है। एंड उसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो 61.72% भी हुई है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देख सकते हैं प्राइस चेंज $0.02 का है लास्ट 24 आवर्स में विद द राइज ऑफ 8.13%, एंड जो मार्केट डोमिनेंस है वो 1.31% है। अगर हम बेसिकली ओवरऑल देखें एक दिन में, सो एक दिन में 0.30 की वैल्यू क्लोज हुआ था विद द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ दिस मच, एंड वह XRP टोकन अप था 8.24% से इन लास्ट 24 आवर्स। तो अब ये देख सकते हैं कुछ गुड न्यूज़। अगर आप अभी भी XRP पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो Binance, Uplift, VCC Exchange, Bitum, HitPTC और BitTrue पे ये अवेलेबल है। आप इन कंपनीज में जाके इस पर मतलब इन जो है वेबसाइट्स पे जाके इसको खरीद सकते हैं, इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं ऊपर आता हूँ तो आपको लेकर चलता हूँ मैं अगर हिस्टोरिकल डाटा पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपल की वैल्यू आज ओपनिंग वैल्यू ही जब कल के दिन पे 0.2774 थी एंड क्लोजिंग भी 0.28 पे हुई थी। सो अब हम इस बात पे कह सकते हैं कि रिपल ने अब 0.30 का मार्क क्रॉस कर दिया गया है। एंड अब मैं इस पर आपको बताऊंगा कि जो रिपल है उस कंपनी की अगर लॉ सूट फाइल हो जाती है, मतलब जो लॉ सूट है अगर मतलब वो क्लियरेंस कर लेते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि इसकी जो कंपनी की रेपुटेशन थोड़ी सी तो उसका टोकन पे इफेक्ट होगा, तो इसका प्राइस राइज करेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर अभी रिपल अगर रिपल कंपनी पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसका इफेक्ट XRP टोकन पे ज़रूर पड़ेगा, एंड उसकी प्राइस और लो भी हो सकती है। मतलब कि अभी हम राइज देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बट लो भी हो सकती है, आप देख सकते हैं। क्योंकि जो अब नए क्रिप्टो करेंसीज में हैं उन लोगों ने, आपको पता है, रिपल कंपनी के बारे में सुना होगा एंड XRP टोकन के बारे में सुना होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सो इस करके वो लोग अब इस पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो इस करके भी जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बढ़ी है। बट अगर रिपल कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आई तो XRP टोकन की प्राइस पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, और वो नेगेटिव भी जा सकती है, मतलब नेगेटिव मतलब कम हो सकती है। बट अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो मे बी माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि XRP की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में। देखिए मेरा बेसिकली कहना ये है कि अगर जो रिपल पे कंपनी पे केस हुआ है अगर, तो वो कुछ महीने चलेगा तो इसका प्राइस ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहेगा एंड मे बी लोअर भी जाए। बट अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है रिपल पे तो XRP टोकन की प्राइस ऊपर जाएगी ही जाएगी। अब अगर मैं आपको इसके रेटिंग्स पे लेके जाऊँ, सो यहाँ पे आपको पता है हेल्थ ए है, एंड उसके बाद जो बेसिकली ग्रेडिंग है वो डी ग्रेड पे है, जिसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी 5 पे है, नेगेटिव में आई थी। अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी 7.5, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर कम हुआ, 4 पे आ गया, कोर टीम 8 पे, टोकन इकोनॉमिक्स 3 पे आ गया, टोकन परफॉर्मेंस 3 पे आ गया, एंड रोड मैप प्रोग्रेस 6.5 पे है। सो अगर हम बेसिकली XRP की जो हाइलाइट्स अगर हम वो देखें, तो जैसे कि आपको पता है बहुत सारी जो एक्सचेंजेस है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने XRP टोकन को डीलिस्ट कर दिया है, क्योंकि ये सारा लॉ सूट से उनको उम्मीद नहीं है। ऑब्वियसली एक कंपनी की जब रेपुटेशन ख़राब होती है तो जो उन्होंने एक टोकन बनाया है उसकी वैल्यू भी कम होगी, तो उसको उन्होंने डीलिस्ट कर दिया है। डीलिस्ट जैसे इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम आता है, जैसे क्रैकन हो गया और कॉइनबेस आपको पता ही है जिसने आज से बंद कर दिया है। एंड एक इसमें पॉइंट ये भी है कि जो ये कोर्ट है, मतलब जो ये केस है SEC ने फाइल किया है जो 1.3 बिलियन अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ का, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये केस बहुत महीनों तक कोर्ट में रह सकता है, जिसकी वजह से रिपल की जो वैल्यू है वो या तो ऐसे ही रहेगी या इससे भी नीचे गिर जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि रिपल पे न्यूज़ क्या आती है। अगर रिपल की न्यूज़ नेगेटिव आई तो जो XRP टोकन की प्राइस है वो कम जाएगी, अगर पॉजिटिव आई रिपल कंपनी पे न्यूज़ तो यस पॉजिटिव जाने का बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। आपको पता है कि जैसे कि जो कंपनी पे बहुत बड़ा बहुत हार्श मतलब पूरा ये सारी अभी रिपोर्टिंग हो रही है, सारी जितनी भी सर्च हो रही है कि ये कैसे हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी है।
जैसे कि आपने देखा ही है, अगर ये जैसे मर्जी हो चाहे केस रिजॉल्व हो, जब मर्जी हो, कंपनी की वैल्यू पे और जो XRP टोकन है उसकी प्राइस पे बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखेगा सबको, जो बेसिकली हमको दिख भी रहा है। सो मेरा कहना आपसे ये, अगर आप क्रिप्टो पे नए हैं तो आप इस टोकन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, मतलब काफ़ी, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन देख रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सी, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि नेगेटिव आए एंड आप लॉस में जाओ, बट देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी टू कि आपका जो न्यूज़ पॉजिटिव आए एंड ये टोकन मे बी अपने ऑल टाइम हाई को फ्यूचर में ब्रेक कर जाए। बहुत सारे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अभी टोकन की वैल्यू बढ़ेगी, बट लेट्स सी होता क्या है। अगर मैं आपको इसकी कोई न्यूज़ वगैरह दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये है रिपल की क्रिप्टो एनालिसिस, तो जिसमें हम देख सकते हैं जो मेजर सपोर्ट लेवल है 0.2751 है, पाइवट लेवल 0.28 है, मुझे रेजिस्टेंट लेवल फर्स्ट वो है 0.29, FIB रिट्रेसमेंट लेवल है 0.62 एंड उसके बाद सो ऑन 0.52 एंड 0.36। सो ये है सारी न्यूज़ XRP पे। अगर हम देखें ये सारी ट्रेडिंग इनका फॉरवर्ड फॉर द डे प्रेप है, बट बेसिकली हमारा कहना ये है, सोचना ये है कि हमको रिपल की प्राइसेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। देखिए, अगर आप एक नए क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिपल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं XRP टोकन पे एंड इसको बाय कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। बाकी ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ जो आपको फोर्स करे बाय करने के लिए, सब आप पे डिपेंड करता है, आपकी अपना डिसीजन है आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, न्यूज़ को पढ़ के एनालिसिस कर सकता हूँ। अगर मैं इसके ट्विटर पेज पे जाऊँ, अगर मतलब ट्विटर हैंडल्स पे जाऊँ और वहाँ पे देखूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कई लोगों ने ट्वीट किया हुआ है कि ब्रोकन आउट, XRP फिर से ब्रोकन आउट ऊपर जा रहा है जैसे आप देख सकते हैं, एंड देख सकते हैं ये सारा अलॉन्ग ओवरड्यू रिपल, एंड देख सकते हैं Coinbase ने अपना वो सारा उससे हटा दिया है, एंड पीपल थिंक इट्स ऑन अ रोड टू गेट $0.43 भी जा सकता है रिपल एंड ऊपर भी जा सकता है, पीपल से कि XRP एक डार्क हॉर्स है। सो ये सारी न्यूज़ हैं रिपल के बारे में एंड हम यही होप करेंगे कि रिपल ऊपर जाए एंड आप सब इससे प्रॉफिट गेन कर सके। बाकी अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए रोज़ रिपल की वीडियो लाता रहूँगा एंड आपको जो भी नई अपडेट्स हैं सबसे पहले मिलेंगी हमारे चैनल द बिटकॉइन बर्नर में। सो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताएं XRP टोकन के बारे में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का सबसे पहले पता लगे एंड आप सबसे पहले प्राइस जान सकें कि आपको कौन सी क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बाकी इस वीडियो में यही है एंड अगर आपको और क्रिप्टो करेंसीज चेक करनी है तो आप माय चैनल के लिंक पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक क्रिप्टो करेंसी के लिए, अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वो भी देख सकते हैं, एंड में कुछ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट है ताकि मैं आपके लिए उस पर वीडियो ला सकूं। बाकी अभी के लिए वीडियो पे इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सी या।